गाइस, कैसे हो आप सब लोग। वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है संकेत और आज हम देखेंगे बुलेया का इंट्रो, जो फिंगर स्टाइल इंट्रो है वो। रिफ नहीं देखेंगे क्योंकि उसका ट्यूटोरियल आपको कहीं पे भी मिल जाएगा। तो जो रिफ है जो अपने स्टार्टिंग में देखी वो देखेंगे हम लोग। तो काफ़ी ट्यूटोरियल्स है इसके, बट मेरे हिसाब से तो भी एक दो नोट्स थोड़ी सी रॉन्ग होती है। रॉन्ग नहीं कहूँगा मैं, कुड बी बेटर ऐसा बोल सकते हैं हम लोग। मैं किसी को गलत नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे हिसाब से तो भी एक दो नोट्स और अच्छी हो सकती है ना। तो पहले हम लोग इसके कॉर्ड्स देखेंगे। चार कॉर्ड्स हैं टोटल इंट्रो में। डी माइनर पे है गाना, है ना। डी माइनर सेवेंथ है एक्चुअली वो। तो चारों कॉर्ड्स पहले देख लेते हैं हम लोग, एंड देन हम लोग पैटर्न देखेंगे। ऊपर टैब्स आएंगे, कॉर्ड्स आएंगे, थोड़े से अलग कॉर्ड्स हैं, नए हैं थोड़े से। वी आर नॉट यूज टू यूजिंग दिस शेप्स, तो आपके लिए मज़ा आएगा, आपको चैलेंजिंग लगेगा आपको थोड़ा सा। तो पहले कॉर्ड्स देख लेते हैं। तो पहला जो कॉर्ड है वो है डी माइनर सेवेंथ, ठीक है। अभी डी माइनर सेवेंथ कैसे प्ले करते हैं, तो डी माइनर बार पोजिशन, ठीक है। इसमें सिर्फ पिंकी फिंगर उठा लेना है, तो ये हो गया डी माइनर सेवेंथ। तो ये हो गया हमारा पहला कॉर्ड। उस ऊपर कॉर्ड चार्ट है ही, उसका पोजीशन कैसा है तो आप समझ जाएगा। फिर से डी माइनर सेवन पहला कॉर्ड, ठीक है। सेकंड कॉर्ड इज एफ एड इलेवन, सॉरी एफ एड नाइन, दूसरा कॉर्ड है एफ एड नाइन। कंफ्यूज इतने हो जाते हैं कभी कभी हम लोग नोट्स में, तो सॉरी इट्स नॉट एफ एड इलेवन, इट्स एफ एड नाइन, ठीक है। सो विच इज समथिंग लाइक दिस, ठीक है। बहुत ही ब्यूटीफुल साउंडिंग कॉर्ड है। इसका भी ऊपर है टैब कॉर्ड चार्ट, तो एट फ्रेट पे बार है, ठीक है, एंड जी टेन एंड बी टेन, ठीक है। फाइव स्ट्रिंग कॉर्ड है, ई स्ट्रिंग नहीं आएगा इसमें, ठीक है। तो ये हो गया एफ एड नाइन, ठीक है। देन द थर्ड कॉर्ड इज बी फ्लैट एड नाइन, ठीक है, या फिर आप इसे ए शार्प एड नाइन भी बोल सकते हो। बी फ्लैट ए शार्प आर द सेम। तो थर्ड इज दिस, ठीक है। इसका भी कॉर्ड चार्ट ऊपर है, क्या है इसमें, ई सिक्स है, डी ओपन है, ए स्ट्रिंग नहीं आएगा। ई सिक्स डी ओपन, ठीक है, जी फाइव बी सिक्स, तो दिस इज बी फ्लैट एड नाइन। ये कॉर्ड जो है ए शार्प एड नाइन बोल सकते हो। ये काफ़ी लोग अलग प्ले करते हैं, बट द साउंड मेरे हिसाब से तो भी ये आना चाहिए जो यहाँ पे बजता है, ठीक है। बहुत लोग यहाँ पे ओपन में प्ले करते हैं, ठीक है, तो वो मुझे इतना एक्यूरेट नहीं लगा मेरे हिसाब से। ओके, अगेन मैं कह रहा हूँ मेरे हिसाब से, तो प्लीज़ कमेंट ना करिए कि भाई तू गलत कैसे बोल रहा है हमें एंड ऑल। सो ये जैस मेरा इंटरप्रिटेशन है। तो थर्ड कॉर्ड हो गया बी फ्लैट एड नाइन, ठीक है। और लास्ट कॉर्ड जो है वो है जी फ्लैट मेजर सेवेंथ, है ना, या फिर आप बोल सकते हो एफ शार्प मेजर सेवेंथ, ठीक है। अभी हमें पता है एफ शार्प मेजर सेवेंथ यहाँ पे भी प्ले कर सकते हैं हम लोग, बट हम लोग उसका एक अलग इन्वर्जन देखेंगे जो कि यहाँ पे है। तीन ही नोट्स है, तो ये क्या है हमारा ए नाइन, दैट इज एफ शार्प नोट, ठीक है। देन जी टेन बी इलेवन, तो ये तीन, तो हो गया जी फ्लैट मेजर सेवेंथ। अभी ये चार कॉर्ड्स हो गए। तो पहली कॉर्ड थी डी माइनर सेवन, एकदम बेसिक कॉर्ड जो हमें सब पता है, ठीक है। देन है एफ एडेड नाइन्थ, ठीक है। देन बराबर बी फ्लैट एड नाइन, या फिर ए शार्प एड नाइन भी बोल सकते हो आप। एंड देन आता है जी फ्लैट मेजर सेवेंथ, विच इज दिस। इसे आप एफ शार्प मेजर सेवन भी कह सकते हो, ठीक है। अभी हम लोग इसका पैटर्न देखते हैं कि पैटर्न कैसा है इसका। तो ऊपर टैब्स आ गए, ठीक है।
तो हर एक कॉर्ड की सबसे जैसे डी माइनर सेवेंथ पे हम लोग क्या करेंगे, स्ट्रिंग्स बता रहा हूँ मैं, डी माइनर सेवन पकड़ लिया, अभी आप बस राइट हैंड देखिए, ठीक है, ए ए डी बी जी, स्ट्रिंग्स क्या प्ले किया हमने डी माइनर सेवन पे, ए डी बी जी, ठीक है, देन हम लोग क्या करेंगे, स्लाइड करेंगे, ठीक है, तो स्लाइड यहाँ पे आएंगे हम लोग, ठीक है, अभी फाइव से हम लोग किए एट पे स्लाइड, विच इज़ द एफ नोट, ठीक है, तो एफ एड नाइन, फिर एफ एड नाइन पकड़ेंगे कॉर्ड, तो एफ एड नाइन पकड़ लिया, देन इसमें भी सेम पैटर्न है, ए डी बी जी, तो टोटल हो गया स्लाइड, फिर से एक बार, ठीक है, देन उसके बाद हमारा थर्ड कॉर्ड है बी फ्लैट एड नाइन, विच इज ये, तो इसमें हम लोग क्या प्ले कर रहे हैं, ये पोजीशन पकड़ लिया, उसके बाद हम लोग प्ले कर रहे हैं ई स्ट्रिंग, क्योंकि बेस नोट हमारे यहाँ पे आ गया, ई डी ओपन, देन बी स्ट्रिंग और जी स्ट्रिंग, तो अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखना है कि ये जो डी स्ट्रिंग है वो आपको डायनेमिकली स्लो प्ले करना है, मतलब उसका गेन जो है, जो उसका टोन है या फिर जो उसका साउंड है वो कम आना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है, एकदम ऐसा साउंड नहीं आना चाहिए, ब्लेंड होना चाहिए वो, ठीक है, तो फर्स्ट कॉर्ड स्लाइड, देन ये कॉर्ड, देन अभी और एक स्लाइड है विच इज फ्रॉम 5 to 9, ठीक है, देन हम लोग पकड़ेंगे लास्ट कॉर्ड हमारा जी फ्लैट मेजर सेवन, या फिर उसको एफ शार्प मेजर सेवन भी बोल सकते हो आप, ठीक है, तो 5 से 9 स्लाइड ए स्ट्रिंग पे, देन ये शेप पकड़ा हमने, और देन तो हमने क्या प्ले किया, ए जी बी जी, बराबर, तो यहाँ से देखते एक बारी, देन स्लाइड, बस इतना याद रखना है, फर्स्ट टाइम हमने क्या किया, 5 to 8 स्लाइड किया है ना, सेकेंड टाइम हम लोग 5 to 9 स्लाइड कर रहे हैं, तो ये चारों मिला के हमारा कैसा साउंड करेगा, पहला, दूसरा, तीसरा, देन ये थोड़ा सा हार्ड जा सकता है, तो आई होप गाइज मेरे को समझ गया होगा, मेरे को लगता है, तो आई होप गाइज मुझे लगता है आपको ये समझ गया होगा कि ये जो यहाँ पे प्ले करते हैं वो सही है, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि गलत है, बट मेरे हिसाब से तो भी थोड़ा सा साउंड इट शुड बी लाइक दिस, ठीक है, तो ये चार कॉर्ड्स आप अच्छे से याद रखिए, और काफ़ी इजी है, अगर आपको नहीं समझ आया तो पीछे जाके देखिए 2-3 बार, और अगर आपको ऐसी लेसन्स चाहिए तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट्स में बताइए, और अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो आपको पता है कि मैं मेरे ट्रैक्स सेल कर रहा हूँ, तो अगर आपको मेरा कवर का कोई भी ट्रैक चाहिए तो मुझे प्लीज़ इंस्टाग्राम पे डीएम कीजिए या फिर मेल कीजिए, तो दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, सो ये वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग।